जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे कार्तिक मास शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि, व्रत महत्व, नियमों के बारे में और फिर सुनेंगे गोपाष्टमी की कथा। गोपाष्टमी का व्रत जो कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और गौ माता के पूजन करने का विधान है। हिंदू धर्म में गाय का स्थान माता के तुल्य माना जाता है। पुराणों में भी इस बात की पुष्टि की है। भगवान श्री कृष्ण एवं भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। ग्वाल जो गाय पालक कहलाते थे। कृष्ण एवं बलराम को भी गाय की सेवा, रक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया था। गोपाष्टमी के एक दिन पूर्व इन दोनों ने गाय पालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। हिंदू संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। इन्हें माँ का दर्जा दिया जाता है और गौ में जो कि सभी देवताओं का वास माना गया है और खासकर जो कि गौ माता, इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है वैसे ही गाय माता का होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर स्थिति में सुख देती है वैसे ही गाय भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए जो कि लाभदायक माना जाता है। इसे कर्तव्य माना जाता है कि गाय की सुरक्षा एवं पालन किया जाए। गोपाष्टमी हमें इस बात का संकेत देती है कि पुरातन युग में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा करते थे तो हम तो कलयुगी मनुष्य हैं। यह त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है और उनमें सभी देवताओं का वास माना गया है। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण गौ माता का पूजन करते हैं, इससे सभी प्रकार के दुख और क्लेश दूर होते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण गौ माता अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं गोपाष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ समय 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार सुबह 5:22 और अष्टमी तिथि की समाप्ति 20 नवंबर की रात्रि जो कि 3:18 पे है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार गोपाष्टमी का व्रत 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार को किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:18 और सूर्यास्त शाम 5:08। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 7:39 से सुबह 9:01 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय को छोड़ करके ही आप अपने कार्यों को संपन्न करें। नक्षत्र जो कि 20 नवंबर को धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 9:26 तक होगा, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र, योग ध्रुव योग रात्रि 8:34 तक होगा, उसके बाद व्याघात योग। इस दिन गोधूलि मुहूर्त का जो समय होगा वह समय शाम 5:18 से शाम 5:52 तक होगा। जो भी गोपाष्टमी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि गोपाष्टमी के दिन यानी कि 20 नवंबर को सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने इष्ट देवता कुल देवता का पूजन करें और फिर सुबह ही गाय को उसके बछड़े को नहला करके तैयार करें, उसका फिर श्रृंगार करें, पैरों में घुंघरू बांधे या अन्य आभूषण आदि आप पहना सकते हैं। गौ माता के सिंगों पर जो कि चुनरी का पट्टा बांध दे और फिर गाय के चरण को स्पर्श करें, गाय माता की परिक्रमा करें और फिर परिक्रमा करके उन्हें चराने के लिए अगर बाहर भेज देते हैं तो बाहर भेज दें। इस दिन जो कि ग्वालों को भी कुछ न कुछ दान देना चाहिए। आप चाहे तो ग्वालों को जो कि नए कपड़े आदि उन्हें अर्पित कर सकते हैं जो गौ की विशेषकर सेवा करने वाले हैं। और शाम को जब गाय घर लौटकर आती है तब फिर उनकी पूजा करें, उन्हें अच्छा भोजन कराएं,
खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलाएं। जिनके घरों में गाय ना हो वे गौशाला आदि में जाकर के गाय की पूजा करें, उनके ऊपर गंगा जल छिड़के, पुष्प चढ़ाए, दीपक दिखाए और फिर गुड़ खिलाएं। आप गौशाला में जो कि खाना और अन्य सामान भी दान करें और फिर इस दिन जो कि गौ माता के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को धूप दीप दिखा करके विशेष करके माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गोपाष्टमी व्रत कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में छठे वर्ष में कदम रखा तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने के लिए भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने के लिए मुहूर्त निकालने के लिए शांडिल्य ऋषि के पास पहुंचे। उन्होंने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है, अगले बरस तक। शायद भगवान की यही इच्छा थी और भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का दिन था जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया और मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने को दी, लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहने। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गायों के चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं यह पहनूंगा। मैया यह सब देखकर भावुक हो जाती है और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने ही अपनी गैया को गौचारण के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार से जो भी गोपाष्टमी के दिन गौ माता का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, इससे भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी भक्तजन इस दिन व्रत को धारण करने वाले हैं, इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अष्टमी तिथि का दिन है तो अष्टमी तिथि का दिन जो कि माता दुर्गा का दिन माना जाता है तो आप इस दिन जो कि दुर्गा माता का भी पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। अगर आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को या मांगलिक कार्यों को करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है और सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। तो पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। पहले इस दिन जो कि स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, अपने इष्ट देवता कुल देवता आदि की पूजा करनी चाहिए, फिर गौ माता, भगवान श्री कृष्ण, दुर्गा माता आदि की पूजा करें तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।